इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े चिकित्सकों ने शनिवार को कोलकाता में दुष्कर्म के बाद महिला चिकित्सक की हत्या के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जिला स्तरीय प्रदर्शन में काले रिबन लगाकर रोष जताया। सीएमएचओ कार्यालय परिसर में चिकित्सकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अस्पतालों मेडिकल कॉलेजों ने चिकित्सक प्रोटेक्शन एक्ट की मांग के साथ ही सुरक्षा का इंतजाम करने की मांग रखी। चिकित्सकों ने बताया कि कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ हुई बर्बरता ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना से चिकित्सक आहत हैं। डॉक्टर मीनाक्षी शराफ ने कहा कि बर्बरता न केवल एक चिकित्सक बल्कि देश की बेटी के साथ हुई है। इस घटना से न केवल चिकित्सक बल्कि देशव्यापी आंदोलन की दरकार है। निर्भया जैसी इस घटना के खिलाफ सभी को आवाज उठाना होगी, जिससे बेटी बहन को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, वह खुलकर अपने कार्य क्षेत्र में काम कर सके, ऐसा वातावरण देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। न्याय की जीत हो, न्याय की जीत हो, न्याय की जीत हो, न्याय की जीत हो, न्याय की जीत हो। जिस तरीके से डॉक्टरों पे देश भर में अत्याचार हुए, जैसे निर्भया कांड के समय हुआ था तो पूरा देश एकत्रित हुआ था और पूरे देश एकजुट होकर उस जघन्य अपराध का विरोध किया था, और ये अपराध भी उतना ही ज़्यादा संगीन है। एक महिला चिकित्सक जो रोगियों की सेवा में लगी होती है और उसके साथ इस तरीके का अत्याचार हो, तो इससे डॉक्टर जगत पूरा आहत है। और आज IMA के आह्वान पर जो धरना प्रदर्शन और मौन प्रदर्शन का जो निर्णय लिया गया, उसमें हमारे पूरे जिले के आयुष चिकित्सक, होम्योपैथिक चिकित्सक और वैकल्पिक चिकित्सक संघ के सभी साथी भी कंधे से कंधा मिलाकर इस जघन्य अपराध का विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध के साथ ही हम सरकार से मांग करते हैं कि डॉक्टर्स के लिए जो एक कानून ऐसा बनाया जाए, जो सेवा में लगे होने के बावजूद यदि उनके ऊपर अत्याचार होते हैं तो वो उस भावना से मरीजों की सेवा नहीं कर पाएंगे। यदि इस तरीके का कोई कानून बनता है जिससे डॉक्टरों को प्रोटेक्शन मिले और डॉक्टरों की सुरक्षा का कोई एक निर्धारण किया जाए जिससे डॉक्टर को काम करने में आसानी हो, इसी को लेकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन पे बैठे। नाम लिख डॉक्टर संतोष यादव, जिला अध्यक्ष होम्योपैथिक चिकित्सा। मैं वही कहना, आप सब पूरे समाज को यही कहना चाहूंगी कि एक महिला चिकित्सक समाज से अलग नहीं है। हम कोई अलग प्रजाति नहीं है, यहाँ पे हम आप ही के जैसी महिलाएं हैं जो काम करती है। बस ये है कि हमारा प्रोफेशन एक चिकित्सक का है। आज जो बंगाल में हुआ है वो एक चिकित्सक की जगह कोई इंजीनियर वाली बच्ची के साथ हो सकता है, एक स्कूल पढ़ती बच्ची के साथ हो सकता है। देश में हर दिन ये घटनाएं होती रहती है। आज हम भी जानते हैं 2000 जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद अनेक कितने कांड हो चुके हैं इस देश में, फिर भी देश की स्थिति यथाकथित है। निर्भया को भी इंसाफ देने में 10 साल लग गए थे। एक महिला बनकर आप काम करें, उसके बाद आपका रेप हो, उसके बाद उसका परिवार जो जिस चीज़ से गुजरता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सोशल रेप आई वुड कॉल इट, कि उसका भी एक सामाजिक बलात्कार हो रहा है। लड़की का तो हुआ है, उसके साथ उसके परिवार का एक सामाजिक बलात्कार हो रहा है। जिस तरह उसे दर्द दर्द की ठोकरें खानी पड़ती है जस्ट फॉर गेटिंग अ जस्टिस, तो इसके लिए हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को, हमारी गवर्नमेंट को जागृत होना चाहिए कि आप महिलाओं की सुरक्षा, हम सिर्फ आज महिला और डॉक्टर्स की सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस देश की हर एक बेटी की सुरक्षा की बात करना चाहेंगे कि देश की हर एक बेटी को सुरक्षा मिलना चाहिए। आप पॉलिटिशियंस को तो Z+ सुरक्षा देते हो, हमारे लिए क्या है? हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, प्रथम हक तो इस देश के नागरिक का ही आता है, तो हमारे प्रथम हक में तो आपने हमें एकदम कोसों दूर पीछे ढकेल दिया है कि आज हम अपनी लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, जो कि ये होना नहीं चाहिए। इट शुड बी अ वेरी फास्ट प्रोसेस, आपको फास्ट प्रोसेस कर हमें जस्टिस देनी चाहिए, हमारी सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए। जस्टिस तक के हालात क्यों आना चाहिए? आप सुरक्षा करोगे तो जस्टिस की तो बात ही नहीं आएगी ना, आप सुरक्षा ही दे दो हमें एक आम नागरिक की तरह। एक तरफ आपको धरती का भगवान कहा जाता है कि चिकित्सक धरती का भगवान होता है, और आज वही धरती का भगवान अपने ही बच्चे के लिए, न्याय के लिए सड़कों पर भटक रहा है। हम यही चाहेंगे, भगवान तो एक ही है, सबका एक ही भगवान है, हमें भगवान का दर्जा मत दीजिए, हमें आप जैसा एक इंसान समझिए, एक आम नागरिक की तरह समझिए। हम कोई अलग नहीं है, हम सिर्फ अपने प्रोफेशन
जिसकी हमने शपथ ली है वो काम कर रहे हैं और आखिरी दम तक हम जिस तरह हमारी शपथ ली है जो काम करें वो करते ही आएंगे, भले कोई भी परिस्थिति हो। आज हमें भी अपना अस्पताल बंद रखकर मरीजों को जो परेशानी हो रही है उसका दुख तो हमें सबको है, क्यों नहीं होगा, हम डॉक्टर्स हैं आखिर में, हमारा काम ही हमारा काम करना है, हम कोई पॉलिटिशियंस तो बनने आए नहीं हैं। बट आज सामाजिक परिस्थिति ऐसी हो गई कि हमें सड़क पर उतरना पड़ गया है, तो समाज को ये सोचना चाहिए कि आज ऐसे हालात क्यों क्रिएट हुए हैं हमारे लिए। ये हमारे लिए सोच का विषय नहीं है, ये तो एक समाज के लिए सोच का विषय है कि जब निर्भया के साथ पूरा देश आ सकता है सड़क पर तो अभया के साथ क्यों नहीं आ सकता, ये तो समाज ने सोचना चाहिए। डॉक्टर मीनाक्षी सराफ, यही कहना है कि जो आज कोलकाता में जो घटना हुई है, एक महिला चिकित्सक के साथ उसका रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, इसमें पूरे इंडिया से डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। IMA के आह्वान पर जो हड़ताल बुलाई गई है डॉक्टर्स की, उसमें हम लोग भी पूरे तरीके से उनके साथ हैं। हम यूनानी मेडिकल प्रोफेशनल हैं, हम पूरे खरगोन ज़िले के यूनानी वाले भी इस हड़ताल में उनका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 15 अगस्त में लाल किले से एक बात कही थी कि जिस तरीके से मीडिया वाले हत्याओं की और रेप की घटनाओं की जिस तरीके से मीडिया कवरेज करते हैं और उसे जोर शोर से पूरे देश में बात को चलाते हैं, इसी तरीके से उनके दोषियों को जो सज़ा दी जाती है उसका भी भरपूर तरीके से जो है प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों में डर और खौफ पैदा हो कि इस तरह की घटना करने से पहले, कोई रेप करने से पहले, हत्या करने से पहले वो 10 बार सोचे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, मैं भी आप लोगों से, खासतौर से मीडिया कर्मियों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि दोषियों को जो भी सज़ा दी जाए उसका भी पुरजोर तरीके से जो है प्रचार प्रसार करना चाहिए। मैं डॉक्टर मशकूर शेख, खरगोन से, यूनानी चिकित्सक। सड़कों पर उतर आया है, आपको देखने को मिलता है, क्या कहना चाहते हैं? कि देश को विदित है कि कलकत्ता में जो घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना, रेप, हत्या और उसकी हत्याओं के सबूत मिटाने के प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत ही दुखद घटना है। और पूरे देशव्यापी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह घोषित किया हुआ है कि हम सभी अपना OPD क्लिनिक बिल्कुल नहीं करेंगे, न रूटीन वर्क करेंगे, और साथ में इस घटना का पुरजोर विरोध करते हुए शासन से CPA लागू करने की मांग कर रहे हैं। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो पहले बीच में लोकसभा में पास भी किया गया था, बात भी हुई थी और उसको पास नहीं किया गया, उसको तत्काल लागू किया जाए ताकि डॉक्टर्स के साथ में जो बिरादरी है, वो नर्सिंग स्टाफ हो या चिकित्सक हो या महिला चिकित्सक हो, उनको सबको पूरी सुरक्षा मिले। डॉक्टर का काम मानवता की सेवा करना है, हम मानवता की सेवा में जुटे हुए हैं, हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर सेवा कर रहा है, पर उसके लिए सुरक्षा नहीं होगी तो वो सेवा की भावना से कितना काम कर पाएगा, उस सेवा की भावना में उसको अपने आप में कार्य करने में अंदर ही रुकावट रहेगी, वो पूर्णतः सेवा नहीं दे पाएगा। इस बात को शासन को समझते हुए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए और उसके लिए हमारी ये मांग को देखते हुए और जो पब्लिक में हुआ है उसको देखते हुए आज पूरे चिकित्सक समुदाय ने पूरे देश में हड़ताल की है और खरगोन मेडिकल एसोसिएशन भी उसके साथ में अपना कार्य कर रहा है। मैं IMA खरगोन की ओर से, आयुष के भी हमारे चिकित्सक आए हैं, होम्योपैथी के भी चिकित्सक है, सभी विभिन्न विविधाओं के चिकित्सक भी आए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज हमारे साथ में एकजुटता प्रदर्शित की है और ये समझने का प्रयास किया सभी ने। और समाज को भी एक निर्देश है, समाज को भी एक आह्वान है हमारा कि आप देखिए, हमारे देश में एक निर्भया कांड हुआ था तब पूरा देश सड़क पर आया था, क्या ये निर्भया कांड से कमजोर है? एक चिकित्सक के साथ में इतनी घटना हुई, हम पूरे देशवासियों से आह्वान करते हैं कि वो इस घटना के खिलाफ पूरे देश में शासन को पुरजोर रूप से अपनी आवाज रखे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।